तो हमने किया तो इलेक्शन लोकतंत्र को मजबूत बनाया, लेकिन हमें साइड में क्या मिला, निगेटिव चीज, ग्रीन गैस मिली। एक बार अगर दिल दिमाग सोच खून में ग्रीन इलेक्शन पैदा हो जाएगा, इसकी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी, तो हार्डवेयर तो जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा काम करने लगेगा। इसमें जो सबसे अहम बात है कि दो रिसर्च पेपर हमारे तैयार हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित ना हो। जल जंगल जमीन सब प्रभावित है, पेड़ पौधे पीड़ित है, जीव जंतु पीड़ित है, तो हमें दो चीज जरूरत है, जल और वायु। क्या बिना जल के नहीं रह सकते हो, बिना वायु के नहीं रह सकते। अभी आपका नाक बंद हो जाए 5 मिनट में आप, अगर हर आदमी जितना यूज करता है जल और वायु अगर वो करने लगे, तो ये जो जलवायु परिवर्तन का ये जो संकट है ना, बड़े आसानी से हम इसको डिफीट कर देंगे, हरा देंगे, और ये जो बहुत सारा नुकसान हो रहा है उससे हम बच गए। धंधे प्लास्टिक के जब से आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। तो प्लास्टिक भगाओ, पानी बचाओ और पेड़ जियाओ। नमस्कार, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं द पेन डाउन, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है बेबाक, जिसमें आज एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, जिनसे हम बात करेंगे ग्रीन इलेक्शंस की। और केवल ग्रीन इलेक्शंस की नहीं, हम पूरे इकोसिस्टम यानी जो पर्यावरण है वो हमारे लिए अभिन्न अंग है जीवन के लिए, उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन जरूरी है, क्योंकि अगर वो बचेगा तब हम बचेंगे। लेकिन कैसे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं IAS अधिकारी हीरालाल जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत हीरालाल जी। नाम में ही शब्द छिपा हुआ है, जीवन को इस रूप में बनाना हो तो आपको वो सारे अवयवों को संभालना है। कितना जरूरी है पर्यावरण, क्योंकि हम देख रहे हैं तापमान से जूझ रहे हैं लोग, फसलें नुकसान हो रही हैं, हम बहुत तरह के स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे हुए हैं, पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, आपको एनवायरनमेंट के तमाम तरह के संकट हैं। आपने ग्रीन इलेक्शन की बात की, क्योंकि चुनाव में आप पर्यवेक्षक की भूमिका में पंजाब में एक इनिशिएटिव आपने चलाया और उसके अच्छे परिणाम आए। पहले तो परिणाम क्या है और लोगों ने कैसे समझा और ये कितना जरूरी है? देखिए, जो ग्रीन इलेक्शन है, सबसे तो बात यह है कि ग्रीन इलेक्शन चुनाव में कैसे आया, इलेक्शन का ग्रीन से क्या मतलब है, बिल्कुल ठीक बात, और कैसे इलेक्शन से ग्रीन जुड़ा जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो MP का चुनाव कराता है, जो भी निर्वाचन, लोकसभा निर्वाचन के लिए, उसका 21 मार्च 2024 का एक शासनादेश एक गाइडलाइन है, डिटेल्ड गाइडलाइन है, वो कहता है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली मोड। तो जो इको फ्रेंडली है, मतलब वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो चुनाव से। इको एक बड़ा शब्द है, उसमें सब कुछ आता है। अब जो ये इको फ्रेंडली शब्द है, ये इंग्लिश का शब्द है, ये इससे आम जनता का कोई बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी जोड़ नहीं है, पॉपुलर नहीं, तो हमने इसको, हम लोगों ने नाम रख दिया ग्रीन इलेक्शन। तो ये जो गाइडलाइन का इको फ्रेंडली है, वही ग्रीन इलेक्शन है। और फिर हम लोगों ने यहाँ से ग्रीन का रिश्ता बना इलेक्शन से, और इस पर कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब दूसरा पॉइंट ये समझना है, ग्रीन इलेक्शन क्या होता है। जब तक इसके ग्रीन इलेक्शन नहीं समझ में आएगा, तब तक क्या होगा? देखिए, होता क्या है, जब हम चुनाव कराते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां, एक्शन, एक्टिविटी ऐसा करते हैं जो कि चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे बूथ हम चुनाव में ही बनाते हैं तो उसको डेकोर करेंगे, उसके व्यवस्था बनाएंगे। दूसरी बात जो होता है, नेतागण आते हैं अपने पार्टी का, कैंडिडेट का प्रचार, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी डिस्पैच होती है, काउंटिंग होता है, बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो ये जो गतिविधियां होती हैं एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, वहां पे ग्रीन गैस पैदा होती है और ये ग्रीन गैस नुकसानदायक होते हैं। तो हमने किया तो इलेक्शन लोकतंत्र को मजबूत बनाया, लेकिन हमें साइड में क्या मिला, निगेटिव चीज, ग्रीन गैस मिली। अगर हम इस ग्रीन गैस को किल कर दें, खत्म कर दें, मार दें, तो ग्रीन इलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि हम इसमें प्लास्टिक को का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो मिनिमम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रत्याशी और राजनीतिक दल प्लास्टिक की झंडियां, बैनर बहुत बनाते थे। हाँ, और उसको आपने खत्म कराया। हाँ, नहीं, हमने उतना ही नहीं किया, हमने बायो, हमने कहा कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वोटर हो, चाहे हमारे प्रत्याशी बूथ के मैनेजमेंट पोल ऑफिशियल्स हो, सबको प्लास्टिक का मिनिमम यूज करना है, नहीं करना है। एक तो ये हुआ, इससे ग्रीन गैस का जो प्रोडक्शन है कम होगा। अब मान लीजिए ग्रीन गैस पैदा ही हो गया बिकॉज ऑफ सम अदर एक्शन एंड एक्टिविटी, तो उसको हमें खत्म करना है, उसको जीरो करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा हर वोटर, हर ऑफिशियल, हर व्यक्ति पौधा लगाए।
तो ये जो पौधा लगाने का अभियान चला तो इससे क्या होगा, जो गैस पैदा होगा वो ग्रीन गैस उसको ले लेगा, पौधा ले लेगा और O2 दे देगा तो ऑफसेट हो जाएगा। तो ये नटसेल में ग्रीन गैस को मारने का एक छोटा सा बहुत सिंपल बहुत सरल इजीली टू इंप्लीमेंट उपाय है और इसी को हम लोगों ने ग्रीन इलेक्शन कहा। बहुत अच्छा किया और ये बहुत जरूरी है, आज के समय की मांग है, हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण का बहुत अहम कदम है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर पौधा लगाएगा नहीं तो हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा नहीं। क्या इम्पैक्ट मिला जो आपने इनिशिएटिव लिया, उसका इम्पैक्ट क्या मिला पंजाब? इसका इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा ये मिला, जो इलेक्शन के दिन छुट्टी मनाते हैं सोते रहते हैं ना वो सब जुड़ गए इससे। अरे ये ग्रीन इलेक्शन क्या है, इसमें क्या होगा, अरे इसमें पौधा मिलेगा, पहले कभी नहीं हुआ। तो लोगों को ये जो नया नैरेटिव ग्रीन इलेक्शन का सेट हुआ इससे आम जनता का जुड़ाव हुआ और आम जनता का जब जुड़ाव हुआ तो इसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। सबसे पहला फायदा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में फायदा, वोटिंग परसेंटेज हर विधानसभा में 3-5% बढ़ा, ये बड़ी उपलब्धि। तो हमारे 9 MLA सीट में, जो कि पार्लियामेंट में 9 MLA सीट थी, 3 रोपड़ जिले की, 3 SBS नगर की, ये दोनों पूरे जिले थे, मोहाली जिले का 3 MLA में 2 हमारे पास था और होशियारपुर जिले का 7 MLA में 1 हमारे पास। तो इसमें से 4 पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, रोपड़ के 3 MLA में 3 में 1.8% वोटिंग बढ़ा और वहां की जो DC थी डॉक्टर प्रीति यादव, उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत अच्छा, तो उनका 3-3 बढ़ गया। मोहाली में आस्का जैन DC थी, उनके 2 विधानसभा थे, 1 में उन्होंने अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में कामयाबी मिली। इसी तरह से शहीद भगत सिंह में श्री रणदीप नवजोत सिंह पाल सिंह रंधावा DC थे, उन्होंने क्या किया, उनका जो वोटिंग परसेंटेज एवरेज 5% घटता, वो अपना वो घटोत्तरी रोकने में कामयाबी पाए, वो 1-2% घटा। तो इस तरह से हमारे सारे DC, इसमें क्या है, सारे स्टूडेंट, सारे पोल ऑफिशियल्स, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे पत्रकार, पूरा इकोसिस्टम एक यूनाइट हो गया और कहा ग्रीन इलेक्शन कराएंगे। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पहला फायदा और इको फ्रेंडली इलेक्शन हुआ, ग्रीन गैस जो वहाँ पैदा हुआ उसको हम ठीक करने में कामयाबी। और सबसे जो बड़ा फायदा हुआ, हम लोगों के दिल दिमाग सोच में ग्रीन इलेक्शन को पैदा करना चाहते थे। एक बार अगर ये साफ क्लियर ठीक हो जाएगा ना, एक बार अगर दिल दिमाग सोच खून में ग्रीन इलेक्शन पैदा हो जाएगा, इसकी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी, तो हार्डवेयर तो जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा काम करने लगेगा। तो हम लोगों ने ये जो सॉफ्टवेयर ठीक करने में जो सोच बनाई उसमें परिणाम मिला, ये बहुत बढ़िया परिणाम, ये सकारात्मक परिणाम देने वाला, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला और सकारात्मक प्रयासों को और परिणाम के रूप में हासिल करने के लिए देश भर में इस संदेश को ले जाया जा सकता है। निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग इस पर और काम करेगा और पूरे देश में ये विषय कैसे जाए, आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां पर और सीटें वैकेंट हुई हैं वहां पर भी चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये एक प्रयोग न केवल एक बड़े अभियान का हिस्सा बनेगा बल्कि इससे जन जन जुड़ेगा और जुड़ना भी चाहिए क्योंकि संविधान की मूल आत्मा है जो सबके हित में हो वो काम करना जरूरी है। अब ये बताइए इसकी और रणनीति, अगर आप निर्वाचन आयोग की अपनी उपलब्धि को एक डॉक्यूमेंट के रूप में जरूर दे रहे होंगे तो इसमें आप और क्या रणनीति बना रहे हैं ताकि ये इसका विस्तार देशव्यापी हो? देखिए इसकी रणनीति ये है कि तीनों DM ने अपने जिले में ग्रीन इलेक्शन पे बुकलेट बनाई। श्री नवजोत पाल सिंह जो वहाँ के DC हैं SBS नगर के, मतलब शहीद भगत सिंह नगर के, उन्होंने तो 115 पेज की बुकलेट बना करके और ई कॉपी हमसे ही उद्घाटन करा दिया था 5 तारीख को, उसकी कल उन्होंने हार्ड कॉपी। इसी तरह से डॉक्टर प्रीति यादव जो रोपड़ की DC है उनका बुकलेट फाइनल स्टेज में है, वो भी बना रही है और मोहाली की भी जो है DC जो है मैडम आस्का जैन वो भी। तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिले वाइज बुकलेट बनी और डॉक्यूमेंट बना, सामान्यता इलेक्शन में होता नहीं है, जो काम हुआ इलेक्शन के बाद भूल जाते, तो ये बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, मैं खुद ही यहाँ 50 पेज का सारा ओवरऑल पूरे 9 विधानसभा का, 6 आनंदपुर साहब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, एक मैं खुद ही अपना डॉक्यूमेंट बुकलेट बना रहा हूँ, ऑर्डर प्रोसेस है, अगले 1 सप्ताह में आ जाएगा। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। एक बात इसमें जो सबसे अहम बात है कि 2 रिसर्च पेपर हमारे तैयार हो रहे हैं। कहाँ? एक IIT रोपड़ तैयार कर रहा है, जब वहां मैं गया था IIT रोपड़ गया, वहां के प्रोफेसर डायरेक्टर सबके साथ लेक्चर हुआ, 1 घंटे का इवेंट हुआ, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और चुनाव के दौरान ही एक प्रोफेसर इंद्रमणि और अनिल
दो स्टूडेंट मेरे साथ लगे रहे और डाटा इकट्ठा करते थे। ये तो ये उसके इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे, इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे कैसे किया, क्यों किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान। तो एक रिसर्च पेपर एक तैयार हुआ। दूसरा रिसर्च पेपर प्रोफेसर रुपिंदर ओबराय है किरोरीमल कॉलेज की, वो एक सेंटर इंचार्ज है इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज। वो अपने दो रिसर्च स्कॉलर के साथ दो दिन आकर के वहां रही, कहां चारों जिलों में, चार जिलों में अलग अलग, और सबका इंटरव्यू लिया, डाटा कलेक्ट किया। तो एक रिसर्च पेपर वो तैयार कर रही है और उस रिसर्च पेपर में IIM लखनऊ के प्रोफेसर हैं देवाशीष दास गुप्ता साहब, वो और प्रोफेसर रुपिंदर उपराय दोनों मिलकर के दूसरा रिसर्च। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, और ये डाटा कलेक्शन फर्जी ना हो और कोई ना हो, तो ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ही हम लोगों ने वो डाटा कलेक्ट किया, जिससे वो डाटा जो हो रियल हो, क्वालिटेटिव हो, उसमें कोई जो है कोई मिलावट ना हो। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन में दो रिसर्च पेपर रिनाउंड इंस्टीट्यूट से IIM लखनऊ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का किरोरीमल कॉलेज IIT रूपर ये करा, और करीब चार बुकलेट बन चुकी है, बनने के प्रोसेस में कुछ बन चुकी। ये बड़ी उपलब्धि है और देश में सहभागी प्रयासों की बड़ी आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और आगे नहीं जा पाते, और इसको आगे ले जाने के लिए ये सारे पैरामीटर्स जरूरी हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपके जो समन्वित प्रयास हैं और उसमें सभी लोगों ने सहभागिता की, और ये एक संकेत भी है कि अगर सहभागी प्रयास हों, सम्मिलित प्रयास हों, मिलकर एकेडमिशियंस हों, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो हैं, सरकार के विभाग हैं, अगर सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है और उन्हें हासिल किया जा सकता है। तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन लोग कोलैबोरेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से बहुत से लोगों के अंदर ये भाव तो आएगा और वो जुड़ना चाहेंगे, तो तरीका क्या है कि कौन कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करे। देखिए, ये जो चुनावी ये जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इससे पीड़ित ना हो। जल जंगल जमीन सब प्रभावित हुआ है, पेड़ पौधे पीड़ित है, जीव जंतु पीड़ित है, पानी पीड़ित है, समुद्र हमारे सब बर्बाद हो गया, पूरी बायोडायवर्सिटी अफेक्टेड। तो इसका मतलब इसमें कोई बचा नहीं है इसके प्रकोप से, और बचेगा भी नहीं, क्योंकि तापमान जैसे बढ़ रहा है। तो जब सब इससे प्रभावित है तो सबको मिलकर काम करना होगा। तो हमारी जो फिलॉसफी है, हम सबको मिलाते हैं, हमने देखो रिसर्च वाले को भी मिलाया, ब्यूरोक्रेसी को मिलाया, वहाँ के सारे NGO को मिलाया, वहाँ के स्टूडेंट को मिलाया, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को मिलाया, वहाँ के जो है बैंक को मिलाया, जितने भी लोग हैं, जितना भी हम, ये पूरी कहानी हमारी ग्रीन इलेक्शन की 13 तारीख के शाम को हम वहाँ पहुँचे थे, और हमारा ये 1 तारीख को चुनाव, ये 19 दिन का गेम है। मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो पाया कि 19 दिन में, मैं पहली बार पंजाब गया, ना मेरा कल्चर मिलता था, ना मेरा खान पीन, मेरा कुछ नहीं मिलता, और 19 दिन में प्लान बनाना, उसको लॉन्च करना और उसको लागू करके इतना बढ़िया रिजल्ट आना, ये क्या है, ये नेचर ने साथ दिया, नेचर ने साथ, और सारे स्टेक होल्डर मिलके काम किए तब हुआ। ये केवल किसी DC या हीरा लाल या जरवर या इलेक्शन कमीशन, जितने भी इको सिस्टम है एकजुट प्रयास, सब एकजुट हो गए, एक प्लेटफार्म पर एक आइडिया का झंडा लेके खड़े हो गए, तब ये रिजल्ट आया। तो ये इसमें क्या है, सबकी जरूरत है और सबको करना पड़ेगा, कोई अकेला या दो लोग करके नहीं कर सकते। और ये बात समझने की भी है, क्योंकि ये एक तरह से फाइनल अलार्म है, क्योंकि जिस तरह से तापमान उस लेवल तक पहुंचा है जहां पे पौधे जल रहे हैं, जहां जंगल जल रहे हैं, जहां पानी एकदम वेपराइज होकर के समाप्त हुआ जा रहा है, एक सेकंड भी टिकना धूप में मुश्किल हो रहा है, जहां पूरी तरह से जलवायु के सभी आयाम प्रभावित हैं, तो हमें ये फाइनल अलार्म है कि हम अपने लिए भी बचाएं और अपनी अगली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज जो हैं उनको कैसे हम संचित कर सकें, कैसे उनको बढ़ा सकें, और इसमें छोटे छोटे नहीं अब बड़े बड़े प्रयास करने होंगे, और ये सम्मिलित प्रयास कैसे होंगे, हम सब इनिशिएटर हों, हम सब एकजुट हों और मिलकर काम करें, केवल उत्तर प्रदेश या पंजाब में नहीं, पूरे देश में हर एक कोने में जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक जाना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हीरालाल आप जरूर इस इंटरव्यू के अंत में सीधे पॉइंट वाइज इनिशिएटर्स के लिए कोई संदेश दें, आप कहें लोगों से कि वो ये काम करें, और इस काम के लिए कोई इनपुट की जरूरत हो तो आपके कहां प्लेटफॉर्म से जहां से वो आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सभी लोग क्या है, जिंदा रहते हैं और अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं,
तो हमें दो चीज जरूरत है, जल और वायु। क्या बिना जल के नहीं रह सकते हो, बिना वायु के नहीं रह सकते। अभी आपका नाक बंद हो जाए 5 मिनट में आपकी डेथ हो जाएगी, और अगर अभी आपको 2 घंटा पानी ना मिले तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये दो चीज है सस्टेन करने के लिए लाइफ को, जल और वायु, जिसको जलवायु और अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। तो अब आपको जल हमेशा चाहिए और आपको वायु हमेशा चाहिए, तो हमारी क्या सोच है, जल तो चाहिए हमें, वायु तो चाहिए हमें, फायदा कोई दूसरा कर दे। ये जो सोच है इसको बदलना। तो हम एक पूरे साल में जितना वायु, जितना ओटू लेते हैं, जितना ऑक्सीजन लेते हैं प्राणवायु, उतना प्राणवायु हमें सबको जो लेता उसको उतना पैदा करना चाहिए। तो पैदा करने के लिए क्या कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगाना चाहिए। तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री क्या है, पेड़ है। आप उतना पेड़ लगाइए जितना जो पैदा कर दे ऑक्सीजन जो आप एक साल में लेते हैं ये। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऑक्सीजन को लेने के कोई आपको मॉरल ग्राउंड या हक नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार, बिल्कुल ठीक है, और आप प्रकृति के अपराधी हैं एक तरह से। दूसरा ये है, जितना पानी आप पीते हैं चाहे नहाने में धोने में जितना यूज करते हैं साल में, उतना पानी आप कंजर्व करिए, बचाइए। कब, जब फ्री में ऊपर वाला पानी देता है बरसात में। अगर आप उतना पानी नहीं बचाते हैं तो नहाने धोने सिंचाई करने या पीने का आपको क्या मॉरल राइट है। अगर ये दोनों चीज हर व्यक्ति, हर आदमी करने लगे और अपनी सोच बदल दे कि नहीं तो हमारा पानी और वायु का इंतजाम सरकार कर देगा, दूसरा कर देगा, हम नहीं करेंगे। अगर हर आदमी जितना यूज करता है जल और वायु अगर वो करने लगे, तो ये जो जलवायु परिवर्तन का ये जो संकट है ना, बड़े आसानी से हम इसको डिफीट कर देंगे, हरा देंगे, और ये जो बहुत सारा नुकसान हो रहा है उससे हम बच जाएंगे। तो मेरा यही संदेश है कि सभी लोग जितना वायु लेते हैं उतना पैदा करो, जितना पानी यूज करते हैं उतना बचाओ, और प्लास्टिक को भगाओ। एक दो लाइन का एक नजरे आलम साहब है बांदा के, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि धंधे प्लास्टिक के जब से आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद हो गए। तो प्लास्टिक भगाओ, पानी बचाओ और पेड़ जियाओ। अगर ये तीन चीज हम कर लें तो क्लाइमेट चेंज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम मुस्तैदी से उसे डिफीट कर लेंगे। बिल्कुल, और हम बैंक में पैसे जमा करते हैं कि गाढ़े वक्त में वो काम आएंगे, लेकिन अगर जमा नहीं करेंगे तो हम निकालेंगे क्या। ठीक इसी तरह से अगर हम ये सारे जो पंच तत्व हैं उन सबके संरक्षण करने की जरूरत, इसमें जल जंगल जमीन बेहद जरूरी हैं, और ये जब बचेंगे, जब ये बढ़ेंगे, तभी हम इनका उपभोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को हम विरासत के तौर पर कुछ देकर जाएंगे। वरना हम सब एक कटघरे में खड़े हैं और एक संकट के दायरे में हैं। बहुत बड़े मुसीबत से मुकाबले के लिए हमें उठ खड़ा होना होगा। तो वक्त बिल्कुल अंतिम दौर में है, जहां चुके तो बहुत कुछ नुकसान होगा, जिसकी भरपाई ना हम ना आप ना कोई कर सकता है। तो चलिए पहल कीजिए, डॉक्टर हीरालाल जी की इस अपील का असर आपके दिल पर तो हो चुका है, लेकिन अब आपके क्रियान्वयन में, आपके काम में ये दिखना है, और ये अब आपसे ही होगा। और जब आप शुरू होंगे तो आपका परिवार शुरू होगा, जहां परिवार शुरू होगा वहां पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे और ये वीडियो के जरिए ये बात और लोगों तक पहुंचे, इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि और भी इस तरह के इनिशिएटिव्स के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे, और हम भी लगाएंगे, मिलकर धरा को बचाएंगे और कल को बेहतर बनाएंगे और वर्तमान को सुरक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरालाल जी हमारे स्टूडियो में आने और इस ग्रीन इलेक्शन के साथ ग्रीन जो पूरा समाज है उसे बनाने की दिशा में पहल करने के लिए, और आप सबको भी सुनने, समझने और अमल की भावना को आगे बढ़ाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, सुनते रहिए द पेंडा।